गुड मॉर्निंग। लेसन इस समय आपका चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये देन है वैज्ञानिक मैक्सवेल। कल हमने बताया था मैक्सवेल ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे, ठीक है, विलक्षण प्रतिभा के धनी, जिन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ दे करके, मतलब गणितीय सूत्रों की सहायता से विद्युत चुंबकीय तरंगों के होने का प्रमाण दिया। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये प्रमाण दिया गणितीय सूत्रों के आधार पर। केवल ये नहीं कि आप लिखे थे या थ्योरेटिकल दृष्टि से सैद्धांतिक दृष्टि से बताते चले जाए, तो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने चार गणितीय सूत्रों की मदद से बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विषय। तो कल के आगे जहाँ तक कल पहुँच गए हैं उसके आगे आज आपको करना है मुक्त आकाश में वेक्टर वी, मुक्त आकाश में वेक्टर ई एवं वेक्टर वी, ये वायुमंडल क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, के परिमाणों के बीच का संबंध बताना है। एक सूत्र फाइंड करना है कि ई और बी के बीच का संबंध क्या है, या ई और बी में, या फिर वायुमंडल क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आपस में क्या संबंध होता है, एक सूत्र निकालना है। और इसके आफ्टर दिस एक सूत्र और निकालना है आपको, और उसके बाद आपका कोर्स खत्म हो जाता है। तो आज के बाद जो आज आपको लेक्चर्स मिल रहा है दो दिन हम और बता देंगे, आपका 100% कोर्स फर्स्ट पेपर खत्म हो जाएगा। फिर ऑफलाइन जो क्लासेज होंगी उसमें क्या करना है ये बाद में सोचेंगे। फिलहाल अभी आप इसको पूरा करें, एक से दो दिन में पूरा हो जाएगा। तो माना विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में धन एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है, जिसकी तरंग संख्या के है तथा आवृत्ति ओमेगा है। वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के क्रमशः वाई एक्स तथा जेड अक्ष के अनुदिश, ई और वेक्टर ई के और वेक्टर बी के, अगर ये वाई एक्स पर है जेड अक्ष पर है, तो इनके बीच परिमाण को व्यक्त करने के लिए समीकरण होते हैं। और परिमाण को व्यक्त करने के लिए कौन से समीकरण है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वाई एक्स के एक्स। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर ई नॉट और बी नॉट, ई नॉट वायुदूत का शिखर मान है, वायुदूत क्षेत्र का शिखर मान, महत्तम मान या आयाम जो भी कहना चाहें, और बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान, और के यहाँ पर है तरंग संख्या, ठीक है। और ये याद भी रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है तरंग संख्या। तो तरंग संख्या में फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई है के इक्वल टू होता है 2π/λ, 2π/λ। और ओमेगा को जानते ही हो कोणीय आवृत्ति है या कोणीय वेग कह सकते हैं। और ओमेगा का सूत्र, के का सूत्र तो पहले आपने लिखा तरंग संख्या का 2π/λ, एक के है 2π/λ, याद ना रहे तो यहाँ लिख लीजिए तरंग संख्या के इक्वल टू 2π/λ। और ये ओमेगा कोणीय आवृत्ति या फिर कोणीय वेग, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में, और जब मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं तो ये आवृत्ति n बदल करके न्यू हो जाती है। 2πn टोटल मैकेनिक्स में है, ये फ्रीक्वेंसी जो मैकेनिक्स में दिखाई जाती है वहाँ n होता है, और जब मॉडर्न फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी आती है तो फिर आपकी न्यू में बदल जाती है। तो 2πν, और यहाँ पर हमने निकाला ओमेगा बटे के, इन दोनों का अनुपात ओमेगा बटे, तो ओमेगा की वैल्यू रखी तो 2πν, और जब के की वैल्यू रखी 2π/λ, तो 2π से 2π आपका निकल गया और ये लेमडा ऊपर चला जाएगा। तो न्यू बराबर
सी बटे लैम्डा, ये मैकेनिक्स में सूत्र है वी बराबर एल लैम्डा, यहाँ पर वी की जगह सी प्रकाश की चाल आवृत्ति और ये तरंग दैर्ध्य है, तो न्यू इक्वल टू हम लिख देते हैं सी बटे लैम्डा। न्यू बराबर क्या होगा सी बटे लैम्डा, तो यहाँ सी बटे लैम्डा और लैम्डा से लैम्डा क्रॉस होगा तो ओमेगा बटे के की वैल्यू आ गई सी। सी प्रकाश की चाल है, यहाँ पर सी क्या है प्रकाश की चाल है, ठीक है। प्रकाश की चाल वैल्यू होती है 3.08 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपकी इसी चाल से चलती है। कल हमने लेक्चर में बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपकी प्रकाश की चाल से चलती है, और ये चाल होती क्या है 3.108 मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है, और इसी चाल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं। किसी माध्यम की इनको आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में से भी होकर ये चल सकते हैं। तो ओमेगा बटे के निकाल के यहाँ मैथमेटिक्स में आए सी। अब आ जाइए समीकरण नंबर 1 और 2 में, तो ये आपका अवकलन करना है समीकरण 1 और 2 का, ये अवकलन है। ई का जब अवकलन करेंगे, ध्यान रखिएगा जहाँ पर गलती होती है मैं आपको वहाँ पर केंद्रित किए दे रहा हूँ कि गलती ना होने पाए। जब वायु क्षेत्र का अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, और जब चुंबकीय क्षेत्र का अवकलन करेंगे तो टी के सापेक्ष करेंगे। ध्यान रखिएगा यही भी गलती होती है आकर के, ठीक है। बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, ऊपर आपने डेवर वाई डेवर ई, इसे डेवर कहा जाता है, याद रखिए थोड़ा सा, ये डेवर का निशान है, डेवर इसे कहते हैं। आपके कोर्स में सिर्फ इसी जगह एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है, पूरे इंटरमीडिएट के कोर्स में कह लीजिए। तो ये डेवर है, डेवर ई बटे डेवर एक्स, यहाँ मतलब है एक्स के साथ ही छात्र अवकलन किया इस पहले समीकरण, और फिर इस दूसरे समीकरण का जब अवकलन आप करने गए तो किसके सापेक्ष किए हुए हैं टी के, तो एक्स के सापेक्ष। और ये अवकलन समाकलन मैथ वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं, इस समय लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके होंगे, इंटीग्रेशन भी पढ़ चुके होंगे, तो बड़े आसानी से समीकरण कैसे आए हुए हैं ये निश्चित रूप से आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कैसे अवकलन हुआ और कैसे आ गए। रही बायोलॉजी स्टूडेंट की बात तो उनका कोई हल नहीं है, उनको तो इसको प्रैक्टिस या लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो पहले वो पूरी अवकलन सीखें, ठीक है, और ये संभव नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है, ठीक है, कि आप इसको बार बार अभ्यास करें, तो अभ्यास के तौर पर ही आपको लेटर याद हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आपका सीखना काम भी नहीं है और आपको बस। तो डेवर ई बटे डेवर एक्स निकाल के लाए, डेवर बी बटे डेवर टी निकाल के लाए, और ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, केवल इसमें माइनस लगा हुआ है बस, और जब इसको माइनस लगा देंगे तो ये माइनस इसको क्रॉस करके प्लस कर देंगे, ये जो ये है वही ये है, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर सिर्फ इसी बात का है, तो माइनस लगा हुआ है बस, ठीक। यहाँ से जब बराबर कर दिया दोनों को, तो दोनों समीकरण ये जो डिफरेंशिएट होके आए हैं, जब इनको बराबर किया माइनस से माइनस निकल गया, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, ये क्रॉस कर जाएगी आपको, खत्म हो जाएगी। यहाँ से बचेगा आपके पास के ई नाट बराबर डब्ल्यू बी नाट। ई नाट और बी नाट ये क्या है, ये आप महत्तम मान, शिखर मान या आयाम, ये कुछ भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान है और ये वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान है। ई नाट बटे बी नाट जब निकाला तो क्या आया, ओमेगा बटे के। ई नाट बी नाट जब निकाले तो क्या आया, यहाँ इसको पक्षांतर करके ई नाट बटे बी नाट निकाल लिया, तो ओमेगा बटे के आया है। ओमेगा बटे के हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये किसके बराबर है, सी के बराबर, तो ई नाट बटे बी नाट बराबर सी। महत्वपूर्ण परिमाण, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको मिल गया,
यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ई नॉट बी नॉट तो आपका आ गया इसके बराबर से, मतलब वायु क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों का जो महत्तम मान होता है ई नॉट नॉट हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ई और बी सदैव समान कला में होते हैं, एक ही कला में होते हैं, इसलिए आप यहाँ से नॉट हटा सकते हैं, ई बटे बी लिख सकते हैं, ई बटे बी बराबर क्या आया सी। तो एक मैक्सिमम के द्वारा दिया गया उन्हीं के सब सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको मिलता है, वायु क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात मुक्त आवेश में फ्री स्पेस में सी के बराबर होता है और सी है प्रकाश की चाल, मतलब ई और बी का अनुपात मुक्त आवेश में फ्री स्पेस में वैकम में निर्वात में फ्री स्पेस कह लीजिए, इनमें वायु क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश की चाल जिसकी वैल्यू होती है 3.0×10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ये एक महत्वपूर्ण बहुत अच्छा आर्टिकल आपके यूपी बोर्ड की दृष्टि से हमने बताने का पूरा प्रयास किया और ये आशा उम्मीद विश्वास के साथ ये आपको समझ में आया होगा। निश्चित रूप से हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप लिख रहे हो तो समझ में ना आए, तो वहाँ पर आपको करना ये है कि 1 से 2 बार, चूँकि टोटल मैथ है, 1 से 2 बार 3 बार जब तक आप प्रैक्टिस में ना आ जाएँ तब तक इसका अभ्यास कीजिए। ऑफलाइन क्लासेज आने वाली हैं, मंडे से आपकी ऑफलाइन क्लासेज आएंगी, तो जो भी बच रहा है या जो आपकी निजी अपनी समस्याएँ 6 महीने से रही वीडियो के माध्यम इस व्यवस्था से आप तक हम पहुँच रहे थे, तो उन समस्याओं को भी सुलझाएंगे और जो भी कोर्स तो लगभग खत्म ही हो रहा है और ये विश्वास है कि आप लोग भी बढ़िया से कोर्स, हमने कोर्स खत्म कर दिया इस बात की बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, ये तो हमारा काम ही था और हम तो खत्म कर ही देंगे। इम्पोर्टेंस इस बात की है कि आपने उसको कितना खत्म किया है, आप खत्म कीजिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, खूब पढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद।